हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सेक्शन 20 जो है ये अमेंडमेंट के बाद लाया गया है, यानी कि 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था ये उसके बाद लाया गया है। ठीक है, 2018 से पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है, ठीक है, नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी जो है वो परेशान हो जाता था। ठीक है, मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि अब मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको ये जो एक घर है उसको आपको बनाना है, ठीक है, विद इन 2 ईयर्स मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब आप फेल कर जाते हैं उसको 2 ईयर्स के अंदर बनाने में, ठीक है, और 1 ईयर जब बीत जाता है तब मैं देखता हूँ कि घर का तो अभी तक वो पिलर्स ही नहीं तैयार हुआ है। यानी कि आपने 1 साल बीत किया है और आपने अभी तक पिलर ही नहीं बनाया है, तो आप 1 साल के अंदर कैसे उस पर बिल्डिंग खड़ा करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि मैं तो परेशान हो गया, यानी कि मैंने तो आपसे कहा था 2 साल में बनाने के लिए और आप तो आराम से बैठे हैं, आप 1 साल हो गया अभी तक पिलर ही नहीं खड़ा किया है। तो इस केस में क्या होता था ना, ये जो हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट वो लंबा खिंच जाता था। यानी कि ये अब जो काम है आप बोलेंगे कि ठीक है, हाँ मैं कर दूंगा, 1 साल और लगेगा, 2 साल और लगेगा। तो इसके वजह से क्या होता था ना कि टाइम पे काम ख़त्म नहीं हो पाता था। ठीक है, काम लंबा लंबा, यानी कि बहुत दिनों तक ये काम चलते रह जाता था। ठीक है, तो ये काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाने के लिए ये जो सेक्शन 20 है इसको लाया गया है। ठीक है, सेक्शन 20 में कहा गया है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है, नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी अगर चाहे तो अपने से या फिर किसी और थर्ड पार्टी के जरिए वो अपना काम को कंप्लीट करा सकता है, और जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा वो इससे वो ले लेगा, यानी कि जिसके साथ पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे वो वसूल कर लेगा वो सारा पैसा। ठीक है, एग्जांपल समझिए, जैसे कि मैंने आपको कोई, ठीक है, ऐसे एग्जांपल समझिए कि गवर्नमेंट ने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है कि मुझे एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है विद इन 4 ईयर्स। ठीक है, और मेरे और गवर्नमेंट के बीच में 4 करोड़ का डील हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 4 करोड़ का डील हुआ है मेरे और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि मुझे इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है 4 ईयर्स के अंदर में, और हमारे बीच में 4 करोड़ का डील हुआ है। ठीक है, अब 3 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाने के बाद ब्रिज का काम आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो अब इस केस में जो है गवर्नमेंट तो देखता है कि नहीं, ये तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब क्या है, अब जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाने के बाद क्या हो जाता है बेनिफिट, कि अगर अभी गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो वो मेरे को नोटिस भेज देगा, और नोटिस भेजने के बाद वो क्या करेगा, वो किसी और थर्ड पार्टी, मान लीजिए कि वो आपसे, ठीक है, वो कोई और थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, या फिर वो अपने से, गवर्नमेंट अपना भी कोई एजेंसी लगा काम करवा सकता है, या फिर अगर चाहे तो किसी थर्ड पार्टी, लेट सपोज़ कि गवर्नमेंट ने, अब मैंने काम किया नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको दे दिया, गवर्नमेंट ने कहा आपको कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, या उसने कोई अगर टाइम फिक्स कर लिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको, जैसे मुझे कहा गया था 4 ईयर्स में करने के लिए, तो आपको उसने कहा कि ठीक है आप और 2 ईयर्स लीजिए, बट आप इसको काम करके दीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको काम करके कंप्लीट करके देंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, मान लीजिए मेरे से 4 करोड़ का डीलिंग हुआ था और आप जब उस काम को कंप्लीट किए तो वो अराउंड 6 या 7 करोड़ आया। ठीक है, 7 करोड़ आया मान लीजिए, जो जो बाकी जो 3 करोड़ है वो मेरे से वो गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे वजह से, मेरे ना करने के वजह से उसको वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया है, तो वो जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट वो मेरे से लेगा। बस इसमें यही कहा गया है। अब मैं आपको एक बार इसको रीड करता हूँ, उसमें से आपको क्लियर होते जाएगा ये जो भी मैंने कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अमेंडमेंट के बाद आया है, यानी कि जो 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ही ये आ गया, उससे पहले नहीं हुआ करता था। उससे पहले वो लंबा खिंचते रहता था काम, वो आज होगा, कल होगा, 1 ईयर और लगेगा, 2 ईयर और लगेगा, तो उसके वजह से काम कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता था। लेकिन इसके आने के बाद टाइम बहुत, यानी कि काम बहुत जल्द होने लग गया है। ठीक है, इसके बहुत सारे अभी केसेस हैं जो कि इससे अभी सॉल्व हो चुके हैं, जो कि बहुत जल्द हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच शैल हैव अ ऑप्शन
ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू थर्ड पार्टी और हिज ओन एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको कहा था या तो वो थर्ड पार्टी या तो अपनी एजेंसी से, ठीक है, वो करवा सकता है. एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड स्पेंट और सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रिज एंड रिकवर द एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा लगा होगा वो मेरे से कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उससे वो सारा एक्सपेंसेस कवर कर लेगा, जितना भी एक्स्ट्रा लगा थर्ड पार्टी से कराने से या अपनी एजेंसी से कराने से. अब इसका जो सब पॉइंट टू है, सब पॉइंट टू कहता है नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन वन शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पार्टी इन ब्रीच calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice and on his refusal or failure to do so he may get the same performed by the third party or by his own agency. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो नोटिस देगा, जो डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी होगा वो डिफॉल्टिंग पार्टी को नोटिस देगा कि भैया आप इसको मेरे को कंप्लीट करके दीजिए इतना टाइम के अंदर. और मान लीजिए कि उसका अगर मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ या मैं उसको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में वो सब्स्टिट्यूटेड जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को ऑप्ट करके वो अपने से या किसी और व्यक्ति से काम करा सकता है और जितना भी एक्स्ट्रा खर्च होगा वो मेरे से ले सकता है, यानी कि डिफॉल्टिंग पार्टी से ले सकता है, ठीक है. अब इसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर सच ब्रीच शैल नॉट बी एंटाइटल्ड to recover the expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party. यानी कि जब तक कि काम वो नहीं कराया होता तब तक वो मेरे से रिकवरी नहीं कर सकता. काम कंप्लीट हो जाए, जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा उसके बाद ही मैं उसको दूंगा. ये नहीं कि वो कोर्ट कर दिया 6 crores तो मैं उसको दे दूंगा, ऐसा नहीं. काम कंप्लीट हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आया वो मैं उसको दूंगा, ठीक है. तो अब इसका जो थर्ड सब पॉइंट है उसमें कहता है वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच, ठीक है. तो अब जैसे कि मैं आपको जितना भी ये कह रहा हूँ ना, मैं आपको इसको जो मैंने आपको फर्स्ट में जो एग्जाम्पल दिया था, जो गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मैं नहीं कर पाया तो फिर गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, ठीक है, ये उसी एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ जितना भी समझा रहा हूँ. तो अब इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने, मैंने तो काम कर नहीं पाया कंप्लीट, तो गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस दिया और फिर गवर्नमेंट ने आपको काम दे दिया करने के लिए. तो अब इस केस में गवर्नमेंट जो है वो बाद में मुझे आपसे काम करा लेने के बाद मुझे वापस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और यहाँ पे वो बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे काम करा लिया है. तो इसमें यही कहा गया इस थ्री वाले जो सब पॉइंट में कि आपसे अगर वो काम करा लेता है उसके बाद वो मुझे आके और नहीं कह सकता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है. अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में कहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच, ठीक है. तो इसमें कहा गया है कि अब जो भी इन दोनों के, यानी गवर्नमेंट और मेरे बीच में मैंने जो भी ब्रीच किया है, अब वो ब्रीच के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट जो वो ब्रीच के लिए हाँ मेरे से कंपेंसेशन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैंने कहा था 4 years में कर दूंगा और मैं नहीं कर पाया, तो उससे जो उसको हानि हुआ है उसके लिए वो कंपेंसेशन ले सकता है, ठीक है. बस इसमें यही कहा गया. अंत में कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें. अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है इस चीज़ के बारे में, यानी कि इस वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको कुछ ठीक कर पाऊँ मैं और कुछ उस हिसाब से चेंज कर पाऊँ, ठीक है. आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं अगले वीडियो बनाने के लिए. प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.